हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पचमढ़ी टूर के पार्ट टू में। पार्ट वन में हमने पचमढ़ी के सभी प्री पॉइंट्स को विजिट किया था, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी है। और इस पार्ट में हम एंट्री फी वाली लोकेशन का टूर कराएंगे। एंट्री फी पॉइंट्स को विजिट करने के लिए सबसे पहले हमें लेना होगा परमिट और बुक करनी पड़ेगी जिप्सी, जो कि हमें बायसन लॉज से मिलेगी। मेरी एडवाइस है कि आप सुबह के 9 से 10 बजे यहाँ पहुँच जाएं, क्योंकि बुकिंग के लिए यहाँ पर स्पेशली हॉलीडेज में लंबी लाइनें लगती हैं। सबसे पहले आपको यहाँ से जिप्सी बुक करनी होगी, और विजिटिंग लोकेशन और रूट के लिए जिप्सी के चार्जेस अलग अलग हैं। जैसे हमने बी फॉल, रीजगढ़, धूपगढ़ वाला पैकेज बुक किया तो जिप्सी का फेयर था 2000 रुपये। अगर आप जंगल सफारी करना चाहते हैं तो आपको 3800 रुपये पे करना होगा। जिप्सी बुक करने के बाद आपको परमिट और गाइड बुक करना होगा, जिसका चार्ज है 1210 रुपये। परमिट और गाइड कंपलसरी है। पहले विजिटिंग लोकेशन यहीं पर है, जो है यहाँ का म्यूजियम। आप म्यूजियम एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक जिप्सी में 6 लोगों की जगह होती है, इस प्रकार आप फेयर को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं पचमढ़ी की सबसे फेमस लोकेशन पर, जिसका नाम है बी फॉल। बी फॉल तक जाने का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। केवल जिप्सी के थ्रू ही आप बी फॉल तक पहुंच सकते हैं, पर्सनल व्हीकल अलाउ नहीं है। तो हम पहुंच चुके हैं बी फॉल के बहुत ही करीब। अब हमें करनी होगी थोड़ी सी ट्रैकिंग। आगे चलने के बाद हमें दिखाई दिया ये बहुत ही सुंदर सा फॉल, बट ये बी फॉल नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करवाने के बाद और थोड़ी देर सुकून से बैठने के बाद हमने यहाँ करवाया फ्री ऑफ कॉस्ट फिश स्पा, जो कि बहुत ही मजेदार था। इसी छोटे से झरने के पानी में छोटी छोटी मछलियां हैं, जो कि आपके पैरों की डेथ सेल्स को खाती हैं, जिससे पैरों में गुदगुदी होती है। तो चलिए अब चलते हैं बी फॉल को। बी फॉल बहुत ही डाउन में है, तो हमें बहुत सारी स्टेयर्स से उतरना पड़ेगा। झरने के पानी की आवाज और लोगों की एक्साइटमेंट की आवाज से हमें पता चल चुका था कि हम झरने के कितने करीब हैं। तो दोस्तों, ये रहा बी फॉल, और आज हॉलीडे होने के कारण काफी तादाद में लोग आए हुए हैं। आप यहाँ बैठकर इस सुंदर से झरने को निहार सकते हैं, और यदि आप कपड़े लाए हैं तो यहाँ पर आप नहा भी सकते हैं। 1 से 1.5 घंटे बी फॉल विजिट करने के बाद अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर, जिसका नाम है रीजगढ़। हम आ चुके हैं रीजगढ़ की लोकेशन पर। पचमढ़ी टूर में आपको कई जगह ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, जैसे रीजगढ़ की लोकेशन के लिए भी हमें थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा। रीजगढ़ चट्टानों का एक समूह है, जिससे गुफा जैसा स्ट्रक्चर बनता है, और इन गुफाओं में ठंडी ठंडी हवाएं बहती हैं। यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक नेरो सी गुफा है, जिसमें आप जाएंगे तो फ्रंट को वापस आएंगे।
रीजगढ़ में नेचुरल एसी की ठंडी ठंडी हवाएं लेने के बाद अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन को, जो कि है धूपगढ़। धूपगढ़ जाने का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, तो चलिए इस व्यू को एंजॉय करते हैं। हम पहुंच चुके हैं एमपी के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर, जिसका नाम है धूपगढ़। धूपगढ़ की खासियत है यहाँ का सनसेट पॉइंट, जिसका नजारा बहुत ही खूबसूरत है। आप यहां कुछ देर शांति से बैठने के बाद धूपगढ़ के माउंटेन वैलीज और यहां के खूबसूरत सनसेट को निहार सकते हैं। पचमढ़ी टूर खूबसूरत होने के साथ साथ बजट फ्रेंडली भी है। यहीं पर होते हैं हमारे लगभग सारे पॉइंट्स कवर एंड यहीं पर करते हैं वीडियो को एंड। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।